और इसीलिए राम राज्य की जिस आधारशिला को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर विकास, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्थापित किया, उसका सहभागी छत्तीसगढ़ भी बने, इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आवश्यक है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। एक ओर मोदी जी के नेतृत्व की विकास, सुशासन और सुरक्षा वाली सरकार, बिना भेदभाव के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे बगैर शासन की योजनाओं का लाभ पूरे देश को समान रूप से दे रही है। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। मकान सबको, शौचालय सबको, स्वास्थ्य की सुविधा सबको, राशन सबको, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के साथ कठोरता पूर्वक निपटने की तैयारी भी। लेकिन भाइयों बहनों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितने सख्त केंद्र की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के प्रति उतनी ही सॉफ्ट छत्तीसगढ़ की सरकार है। 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने विकास तो नहीं कराया, नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था तो नहीं किया, व्यापारियों को और किसानों को उत्पीड़न भी किया, राम भक्तों को लाठी चार्ज भी करते रहे। लेकिन भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार की एक एक कड़ी को जोड़ करके आज उन्होंने फिर भी कांग्रेस की अपनी परंपरा और संस्कारों के अनुरूप एक भ्रष्टाचार की नई माला तैयार कर दी। यहां शराब घोटाला होता है, यहां कोयला घोटाला होता है, यहां खनन में घोटाला होता है, और घोटाले केवल यहीं पे नहीं, युवाओं की भर्ती में भी घोटाला हो जाता है। और यहां पर हमने तो पहले बिहार में ही सुना था चारा घोटाला, अब तो हम छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं गोबर घोटाला। लगता है बिहार का लालू जी का चारा यहां आकर के गोबर में बदल गया। अरे कांग्रेसियों के दिमाग में गोबर इतना भर गया कि उन्होंने गोबर का ही घोटाला कर डाला छत्तीसगढ़ में। यानी गोबर है नहीं, लेकिन गोबर खरीद करके, और जब जांच शुरू हुई तो उसमें मिट्टी के पैकेट भर भर करके भेज दिए गए। ये है कांग्रेस की वास्तविकता। भाइयों बहनों, ये घोटालों की सरकार, राम भक्तों पर हमला करने वाली सरकार, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, धर्मांतरण को प्रश्रय देने वाली सरकार, सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली सरकार, इस सरकार को रहने नहीं, एक क्षण टिकने का कोई अधिकार नहीं है, एक क्षण का। और यहां पर कैसे कांग्रेस में दायित्व दिया जाता है हिंदुओं का पीड़न करने वाले तत्वों को, उसके बहुत सारे नमूने हैं। उनको कहीं कांग्रेस के युवा विंग में पदाधिकारी बनाया जाता है, कहीं पे सरकार के किसी महत्वपूर्ण दायित्व का जिम्मा उन्हें देने का कुत्सित प्रयास होता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आएगी वह तो नहीं स्वीकार कर सकती, वह नहीं स्वीकार करेगी। और फिर छत्तीसगढ़ में क्यों, छत्तीसगढ़ को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस छत्तीसगढ़ की नींव सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिस छत्तीसगढ़ को उनके मार्गदर्शन में
डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास का एक गढ़ बना दिया था, जिस छत्तीसगढ़ में खुशहाली दिखाई देती थी, जिस छत्तीसगढ़ का भरपूर प्राकृतिक संपदा अपने आप में एक विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की एक नई कहानी को दोहराने की तैयारी हो रही थी, और छत्तीसगढ़ के विकास में ग्रहण लगाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए इन कांग्रेसियों को, जो लोग यहां के विकास में बाधक हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा में बाधक हैं, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में बाधक हैं, व्यापारियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में जो लोग बाधक हैं, एक क्षण उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। तो घोटालाबाजों की सरकार है, एक से एक बड़े घोटाले इन्होंने यहां पर करके दिखाने का क्या प्रयास किया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए, उनमें से उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख गरीबों के लिए मकान बना दिए, 55 लाख गरीबों के लिए, याद करिए 55 लाख गरीब। छत्तीसगढ़ को भी 16 लाख आवास मिले थे, लेकिन यहां के किसी गरीब को आवास मिला नहीं। क्या आवास मिला? आवास का पैसा कहां चला गया? लेकिन हम आए हैं कहने के लिए, भाजपा आएगी, 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री का आवास उपलब्ध करवाएगी। हर घर नल आरओ का पानी, 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश, 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर नल दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के लिए भी पैसा आया था, छत्तीसगढ़ का पैसा एक कांग्रेसी डकार गए, नहीं किया इन्होंने काम। क्या हर घर नल से जल मिला? ये देंगे भी नहीं। हम आएंगे, हम देंगे, भाजपा आएगी, भाजपा देगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, पैसा भारत सरकार दे रही है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं, उन्होंने तो पहले दिन कहा, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प उनका वैसे ही है जैसे प्रभु राम का संकल्प था, निस्सरहीन करो मई बुजुटाए प्रण कीन। एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, और संकल्प था विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पूरे देश के अंदर समान रूप से विकास की योजनाओं को देंगे, विरासत का सम्मान करेंगे, अराजकता आतंकवाद नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, जो कभी नहीं हुआ था वो मोदी जी ने देश के अंदर विकास की योजनाओं के माध्यम से करके दिखाया। और इसीलिए हम सब आपसे कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम है, आतंकवाद की समस्या देश को कांग्रेस ने दी, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, भ्रष्टाचार देश को कांग्रेस ने दिया, अयोध्या में राम मंदिर के विकास में, राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस थी, जैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह गर्द में डाला, और जैसे ही डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। तो अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ननिहाल में तो होना ही चाहिए ना। और यही आने के यही कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आज छत्तीसगढ़ का गरीब भी पूछ रहा है, हमन तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस सुधरेगी नहीं, और इसलिए उत्तर प्रदेश में तो बहुत
तरीके से हम लोगों ने लव जिहाद वालों को, धर्मांतरण करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, अराजकता फैलाने वालों को, जितने माफिया थे इनकी संपत्ति को भी पूरी तरह लेकर के गरीबों की आवाज भी वहां बना डाली, बहुत मजबूती के साथ बनाए हैं भाइयों बहनों। वहां हमारा बुलडोजर दोनों तरीके से चलता है, माफिया और अराजकतावादियों की छाती को रौंदते हुए भी चलता है, सड़क बनाते हुए भी चलता है। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन में लिप्त कांग्रेसियों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, और इसलिए भाइयों बहनों आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, हर छत्तीसगढ़ वासियों का एक संकल्प होना चाहिए। स्वर्गीय अटल जी ने बनाया था, उनके सपनों का साकार करने वाला छत्तीसगढ़ फिर भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, और इसी दिन से आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों अब यहां का एक संकल्प यह भी होना चाहिए, आओ नहीं सहबो, आओ नहीं सहबो, तैयारी पूरी है भाजपा जरूरी है, तैयारी पूरी है तैयारी पूरी है, और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित किया है इस पंडरिया क्षेत्र में, चाहे वह निशुल्क बस सेवा का हो, स्वास्थ्य सेवा का हो, भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के गरीब के घर तक शासन की योजना को पहुंचाने का हो, या फिर अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आम जनमानस की समस्या को लेकर के, संघर्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती भावना बोरा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में लाया है। 7 नवंबर को ही चुनाव है भाइयों बहनों, 7 को चुनाव है, 11 को अयोध्या का दीपोत्सव, 12 को दीपावली, तो चुनाव के दिन ही तय हो जाना चाहिए कि यहां कमल खिल जाएगा। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं कमल खिलाएंगे सभी लोग? सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके बोले।